मैं हूँ साली, बता ना। सो है गाइस, क्या हाल चाल सभी के। तो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि गोरी भाई ये सुबह सुबह में बाइक के ऊपर एंड मोटो व्लॉगिंग टाइप का क्या कर रहे हो। तो भाई मैं आज जा रहा हूँ अहमदाबाद, एंड अहमदाबाद गाइस एक बहुत ही स्पेशल पर्सन, यानी आप लोगों ने थंबनेल देख के तो पता चले ही गया होगा। तो हाँ गाइस, मैं मिलने जा रहा हूँ अहमदाबाद अमित भाई से। अमित भाई अहमदाबाद आए हुए, तो चलो गाइस बहुत ही जबरदस्त एंड एकदम मस्त सा व्लॉग होने वाला है। तो बस आप लोग इन्जॉय करना, एंड गाइस अच्छा लगे तो फटाक से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस अभी मैं रोड पे खड़ा हूँ, मैं हो चुका हूँ रेडी, हेलमेट वेलमेट लगा के मस्त है रोड पे खड़ा हुआ। देखिए रोड है ये। तो अभी मैं सबसे पहले अहमदाबाद जा रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं एक दिन रुकने वाला हूँ, वो भाई कल निकल जाएंगे शायद से। तो चलो गाइस इंजॉय करना है। एंड उनका मुझे कॉल आया कल कि भाई आओ मिलते, तो भाई शायद मेरे बाल देखे। गाइस सुबह मैं 4 बजे निकला हूँ घर से, एंड मैं सोचा हूँ पहले कि मैं बस में जाता हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो ना अपनी बाइक लेकर ही चलते, क्योंकि बाइक में गाइस बहुत इजी रहेगा एंड जल्दी पहुंच भी जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे ना तो एक बढ़िया सा लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, पहले तो अहमदाबाद स्टेशन है वहीं पे जाएंगे। उनका मुझे कल ही कॉल आया कि भाई आओ मिलने के लिए, हम मिलते हैं यार। तो मैंने सोचा यार चलो ना क्यों ना जाते, तो भाई मैं सुबह सुबह में बाइक लेके निकल पड़ा हूँ, एंड मतलब मैं आ चुका हूँ फिलहाल अहमदाबाद में आ चुका हूँ। अमित भाई का एड्रेस पे भी पहुंच चुका हूँ, थोड़ा सा ही दूर है अमित भाई का एड्रेस, 7 या 8 किलोमीटर ही है। तो पहले अमित भाई से मिलता हूँ, अमित भाई का रिएक्शन, क्योंकि मैं बाइक लेकर आया हूँ। ठीक है अमित भाई, मेरे को जाना था गाड़ियों में, लेकिन गाड़ियों में जाता ना तो गाइस बहुत टाइम लग जाता मुझे अमित भाई से मिलने में। तो मैं सोचा यार बाइक लेकर ही चलता हूँ, तो सुबह 5 बजे निकला था तो अभी अहमदाबाद पहुंच गया। तो चलो अभी पहले अमित भाई के होटल पे चलते हैं, फिर वहां पे जाके अमित भाई से मिलेंगे, एंड देखते हैं आगे का क्या प्लान होता है हम लोगों का सबको साथ मिलकर। बहुत सारे लोग आने वाले मिलने के लिए। चलो गाइस होटल पे चलते अमित भाई की। सो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ अमित भाई के होटल में, एंड देखते हैं अभी लिफ्ट बुलाते हैं। अमित भाई का मुझे मैसेज तो आ गया है, चलो चलते अमित भाई के रूम पे और अमित भाई से मिलते हैं। सो गाइस लिफ्ट में आ चुका हूँ, अभी अमित भाई आने ही वाले हैं। अमित भाई आने वाले, भैया मेरे को बाहर से हाथ कर रहे थे यार। चलो ये देखो रिकॉर्डिंग चालू हो गया ना, तो ऐसे करके करना है। ये ऐसे क्या होता है ना, स्लिप जल्दी हो जाते, जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, सामने अमित भाई ऐसे कैमरा घुमा दे देखो, ठीक है, फिर वो होगा बात वत करेंगे, फिर ऐसे करेंगे ऐसे चलो, इससे कॉन्फिडेंस भी आता है, पता नहीं चलता कि कैमरा का कैमरा कहाँ पे। आँख नहीं तो बहुत सारे ब्लॉगर को दिखा है, कैमरा इधर होता है, अभी की ब्लॉगिंग थोड़ा स्टार्ट। तो ऐसे करते चलोगे ना, क्योंकि हम लोग तो अब रेगुलर हमारा लैंग्वेज यूज नहीं होता ना घर पे, इसलिए काफी वो ट्राई करता हूँ इससे इसको फिर बोले। तो गाइस फाइनली हम लोग अमित भाई से मिल लिए हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए थोड़ा सा अमित भाई के साथ। कुछ सर्वर्स के बंदे भी आए हैं हमारे साथ अभी फिलहाल है, अपने दिवेश भाई, आप इनको तो जानते होंगे जो अमित भाई के साथ अक्सर रहते हैं, आपको देखने को मिलेंगे नहीं ऐसे व्लॉग में ही देखने को मिलेंगे। तो अभी चलते हैं, सर्वर्स के एक दो बंदे भी आए, अपने केपी गेमर एंड एक पहाड़ी से एक बंदा आया, तो चलो उनके पास चलते हैं। सभी हम लोग निकल रहे हैं, देखिए गाड़ी में बैठ रहे हैं, तो ये देखिए अमित भाई है, लेकिन मास्क में, ठीक है अभी तो दिखेंगे नहीं, बाद में दिखाते हैं पूरा इनको। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे साइंस सिटी में, पहले घूमने गए थे गांधीनगर। ये अपना केपी भाई, एसआरवी केपी है ना भाई, तो हम लोग घूमने गए थे पहले गांधीनगर, लेकिन वहाँ पे तो मोदी साहब आए तो पूरा सब कुछ बंद है। तो फिलहाल अभी हम लोग आए अहमदाबाद में साइंस सिटी, तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी साइंस की चीजें और बहुत कुछ देखने का, और अभी मैं आपसे आपको मिलवाने वाला हूँ अमित भाई से। तो चलो चलते हैं अमित भाई के पास, एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे घूमेंगे, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अहमदाबाद का ये साइंस सिटी ना बहुत ही मस्त जगह है यार, मैं आज से 10 साल पहले आया था, लेकिन अभी बहुत कुछ चेंज हुआ है, तो देखते क्या कुछ होगा और कैसा रहेगा, तो वीडियो पे बने रहना। सो गाइस मैं अभी आपको मिलवाने वाला हूँ स्पेशल पर्सन से, जिनको मिलने के लिए हम लोग आए थे, तो अमित भाई। तो गाइस ये रहे अपने अमित भाई, जो फाइनली अपने गुजरात में आ चुके हैं और अपने घर पे यानी अपने अहमदाबाद में। तो गाइस यार मेरे को बहुत ज्यादा ये मतलब एक्साइटमेंट था इनसे मिलने का कल तक, लेकिन आज फाइनली मिल लिए, तो चलो अरे हम पार्किंग में घूम रहे हैं। सो गाइस सभी हम लोग आगे जा रहे हैं, सभी लोग अभी पहले सबसे पहले जा रहे हैं हम लोग डायनासोर पार्क है ना वहाँ पे। अरे ये भी मस्त है ना, इसके अंदर है ना पता वो मून वाला फीलिंग आता है, जैसे मून में जा रहा हूँ ना प्लेन, ऐसे ऐसे फीलिंग आता है इसमें। देखो अमित भाई भी पीछे व्लॉग कर रहे हैं, अपने दीपेश भाई भी व्लॉग कर रहे हैं। तो अभी हम लोग फिलहाल जा रहे हैं यहाँ पे, एंट्री है देखते यहाँ पे जाने को देंगे कि नहीं।
तो गाइस यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है ना जो स्पेस शटल है, इसके अंदर लाइक वो मून के अंदर जाते हैं ना, तब जो स्पेस के अंदर जो फील आता है ना सेम ऐसा ही फील आने वाला है इसके अंदर। एंड इसके अंदर हम लोग जाएंगे तो एक गॉगल्स भी देंगे, आई थिंक 5D वाला हमको शायद से डांस भी करके इसके अंदर जाके पूरा का पूरा। देखते गाइस अभी अमित भाई, देखो अमित भाई व्लॉग कर रहे हैं तो हम लोग सब जाने वाले, पूरा कॉम्बो हमने लिया, देखते हैं कैसा रहता है हमारा। सो गाइस यहाँ पे इतनी सारी लोकेशंस है, देखिए बहुत सारी है, देख सकते हो बहुत सारी लोकेशंस है। हम लोग फिलहाल ये वाले में थे तो गाइस बहुत ज्यादा मजा आया ऐसा तो, लेकिन थोड़ा सा क्लियरिटी कम था बाकी बहुत ही मजा आया। और 3D होता ना तो और मजा आ जाता मेरे यार। गाइस हम लोग अभी आ गए दूसरी लोकेशन पे, ये मार्स वाला है, वो वाला था ना वो नॉर्मल था, ये मार्स वाला ये ज्यादा 3D हो सकता है ऐसा, और कुछ ज्यादा ही मजा आएगा यहाँ पे तो देखते हैं। गाइस हम लोग आ गए IMAX के अंदर एंड सब लोग लाइन से बैठ गए, देखिए अमित भाई और ये सब लोग बैठ गए एंड हमको एक बड़ा वाला चश्मा दिया, मैं सोच रहा हूँ मेरा एक्सचेंज कर लो इससे, तो बहुत ही बड़ी स्क्रीन भी है सामने की साइड, और देखते हैं कौन सी मूवी दिखाई जाएगी इसके अंदर। गाइस हम लोग फाइनली IMAX में एक मूवी देख रहा है, और यहाँ पे फाइनली देखिए एक रोबो वाला आया है यहाँ पे देखने के लिए आए, और अमित भाई और सब लोग साथ में, तो देखिए ये है रोबो जो बड़ा सा खड़ा है ना बंदा भाई, ये एक मूवी की तरह दिख रहा है तो समझे। और ये रहा रोबो कैफे, तो गाइस IMAX में हम लोगों ने मूवी देखा था T-Rex वाला, बहुत ही मस्त सा मूवी था। यहाँ पे एक रोबोट है ना मतलब ये बोलता भी, हम जो पूछते ना उसका आंसर भी देता है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखते अभी यहाँ पे क्या होता है। Who is देसी गेमर? मैं वो साली बता ना अरे कहीं की बताती नहीं यार। गाइस मैं फेमस नहीं हूं यार, थोड़ा और मेहनत करना बाकी है। रोबोट में गाइस ये रोबोट अमित भाई को नहीं पहचान पाया यार। देसी गेमर्स तुम क्या कर सकते हो, मजे दे सकते हैं। सही पकड़े हैं। सभी हम लोग आ चुके हैं एक्वेरियम में, यहाँ पे देखिए कितनी प्यारी प्यारी सी मछलियाँ घूम रही है यार भाई, लिटरली देखो सही इसको देखो कितनी क्यूट सी दिख रही भाई साहब, चार और देखिए इस साइड भी दिखाता हूँ मछलियाँ हैं, एंड देखिए यहाँ पे भी देखिए ये मछलियाँ घूम रही है छोटी छोटी सी, देखिए प्यारी सी, और ऊपर देखिए जस्ट ऊपर का व्यू देखिए, ऊपर पूरा पानी भरा पड़ा है भाई। ओ भाई साहब क्या ही दिख रहा मस्त वाला यार, ये मछलियाँ कितनी मस्त दिख रही है, कितनी क्यूट क्यूट से अगर हाथों में आ जाए तो। ये देखो छोटा बच्चा दिख रहा है। मतलब देखे यहाँ पे साफ सफाई चल रही है इसके ऊपर, देखे जस्ट ऊपर देखिए भाई साफ सफाई चल रही है पूरे एक्वेरियम की, देखिए वो देखिए वो देखो। तो गाइस अभी मैं फाइनली जा रहा हूँ अमित भाई से मिलने के बाद, तो अमित भाई वापस से गुजरात जल्दी आना है, एंड भाई मिलेंगे बहुत जल्द, मैं बहुत नींद ले ठीक है। वैसे हम तीनों ने ऐसे ही नींद लिया यहाँ पे पड़े पड़े एक डेढ़ घंटे से, घुमाया भाई थक गया भाई। सो आई होप गाइस आप लोग को आज का व्लॉग अच्छा लगा, यानी गाइस ये व्लॉग तो बहुत पहले शूट किया था, मैं अभी आउटरो शूट कर रहा हूँ, तो गाइस मुझे तो अमित भाई से मिलकर बहुत ही ज्यादा मजा आया था, आई होप आप लोग को भी व्लॉग देखकर बहुत ही अच्छा लगा होगा। एंड गाइस अगर अच्छा लगा तो फटाक से लाइक कर देना, शेयर कर देना, बहुत सारे मतलब सब्सक्राइब करवा दो यार चैनल को, फटाक से 500 करना ना हम लोग यार, ड्रीम ऐसा का ऐसा ही चिपक गया एक ही जगह पे भाई, उल्टा कम हो रहा है बढ़ नहीं रहा, तो चलो गाइस यार सपोर्ट करो यार और ज्यादा, तो चलो गाइस मिलते किसी और बढ़िया सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डील देने वाला गाइस, बाय 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 बाय।